Now next C program again based on number system conversion operations. In this case we just perform क्या करना converting decimal number into equivalent any given number system. इस for example suppose that और आपके पास कोई भी number available like a number available in the form of base 10. तो इस केस में possible conversion कर सकते हैं maybe you want to convert in base 2. Base 2 means binary. Same as same बेस 10 वाले भी से डेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 2 में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है, बेस 3 में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल होगा, बेस 4 में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल. इस केस में जस्ट मैं इंप्लीमेंट क्या करना चाहता हूं, अप टू बेस 16. इस केस में टोटल पॉसिबल केस कितने हो, बिटवीन 2 टू 16. इसे 2 से लेकर 16 16 के बीच में जितने भी बेस है उन सभी बेसिस के केस में ये परफॉर्म क्या करना, नंबर सिस्टम कन्वर्जन बाय यूजिंग और बाय इंप्लीमेंटिंग सिंगल फंक्शंस. मैं इसमें लॉजिकली एक सिंगल फंक्शन मैनेज करूंगा, इस फंक्शंस के थ्रू कोई भी डेसिमल नंबर बेस 2 में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल, बेस 3 में भी कन्वर्ट करना पॉसिबल, सेम एज बेस 4 बेस 6 अप टू बेस 16. इस परफॉर्म क्या कराना, डेसिमल टू एनी नंबर सिस्टम कन्वर्जन. इस केस में जस्ट मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन एज डेसिमल टू एनी. तो इस केस में सप्लाई क्या करेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट में पास करेंगे रिक्वायर्ड नंबर, मींस जिस नंबर के लिए नंबर आपको परफॉर्म क्या कराना है, कन्वर्जन required number plus by default इसे integer number को मैं consider करूंगा as a decimal part of decimal number system. अगर मुझे same number base 2 या binary में convert करना है, then supply क्या करेंगे, 2 क्या इस case में required base, जब मुझे इस current number को इस base में convert करना चाहते हैं, same base supply करेंगे. clear, same as अगर base 3 में convert करना है, then use क्या करेंगे, again number comma 3. इस केस में सेम नंबर कन्वर्ट किस में होगा, बेस 3. फॉर एग्जांपल सपोज दैट अगर आपके पास कोई भी इनपुट नंबर है लाइक वैल्यू एज 21, तो 21 के केस में सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं बेस 2. बेस 2 इज नथिंग बट बाइनरी, तो बाइनरी में जब कन्वर्ट कराएं डिवीजन क्या आएगा, 10, रिमाइंडर इज 1. अगेन डिवीजन इज 5, रिमाइंडर इज 0. अगेन डिवीजन इज 2, रिमाइंडर इज 1. डिवीजन इज 1, रिमाइंडर इज 0. अगेन रिमाइंडर इज 0, डिवीजन इज 1, इज दैट 1. इसके साथ रिजल्ट क्या है, फाइनली 1 0 1 0 1 0 देन 1. क्लियर, बेस 2. नेक्स्ट में सिमिलरली अगर सेम नंबर 21 मुझे बेस 3 में कन्वर्ट कराना, मींस वी वांट टू कन्वर्टिंग इन बेस 3. अगेन वैल्यू क्या, सेम 21. नेक्स्ट टाइम बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे, सेम नंबर डिवाइड किससे करेंगे, 3 से, मींस रिक्वायर्ड बिट्स. अगर आपको बेस 4 में कन्वर्ट करना, देन डिवीजन किससे कराओगे, 4 से, सेम अप टू 16. 3 मल्टीप्लाई 7 इज 21, रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, जस्ट 0. नेक्स्ट टाइम 3 से डिवाइड किया, डिवीजन कितनी बार होगा, 2 टाइम्स, देन रिमाइंडर इज 1. नेक्स्ट टाइम डिवीजन क्या आएगा, 0, रिमाइंडर क्या है, 2. तो इस केस में सेम कन्वर्जन क्या रहा, बेस 3 के केस में 2 देन 1 देन 0, 2 1 0. लेकिन ये कन्वर्जन केस में बेस 3 चेक कर सकते हो, बेस 2 के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या है, आइदर 0 और 1. बेस 3 के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे, 0 1 2. अगर आप बेस 3 में कन्वर्ट करें एवरी टाइम, डिवीजन किससे होगा, 3 से, देन 3 से मिसे 2 से बड़ा नंबर पॉसिबल ही नहीं. सेम अगर आप बेस 4 में कन्वर्ट करोगे, देन बेस 4 के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3. सेम है अगर आप बेस 8 में कन्वर्ट करें, बेस 8 के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या होते हैं, 0 2 7. सेम है बेस 10 के केस में, 0 2 9. बेस 16 के केस में, 0 2 9 एंड 8 2 F. क्लियर, तो इस केस में अगर आप बेस 16 के रिस्पेक्ट में डिजिट्स अप्लाई कर सकते हो, मींस अगर आप बेस 16 रिप्रेजेंट करते हैं, बेस 16 के अंदर डिजिट्स क्या है, गिवन 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए बी सी डी ई एफ. फाइनली इस केस में चेक कर सकते हो, इसे डिफरेंट डिफरेंट 2 से लेकर 16 के बीच में जितने भी बेस हैं उन सभी बेस के केस में रिमाइंडर्स क्या आएंगे, बिटवीन दैट केस. सपोज दैट अगर आप बेस 2 यूज करो, देन बेस 2 के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या होते हैं, आइदर 0 और 1. तो इस केस में बिगिनिंग 2 डिजिट्स क्या है, नथिंग बट बेस 2. इस सेम एरे बेस 2 को भी रिप्रेजेंट करा, अगर आप बेस 3 यूज करो, बेस 3 के केस में डिजिट्स क्या होंगे, 0 1 2. देन सेम एरे बेस 3 के भी डिजिट्स को रेफर कर रहा है,
बेस 4 के भी डिजिट्स रेफर हो रहा है, बेस 8 के भी डिजिट्स रेफर हो रहा है, बेस 8 में क्या था 0 टू 7, सेम एज बेस 16 के भी डिजिट्स सेपरेटली सो रहा है। मीन्स इस पर्टिकुलर केस में एरे के थ्रू अगर आप डिजिट्स को डायरेक्टली कैलकुलेट ना कराए, डिजिट्स को अगर एरे से रिट्रीव करते बेस्ड ऑन इंडेक्स वैल्यू, देन इस केस में आपके लिए बेस्ट केस रहेगा इस पर्टिकुलर एरे के थ्रू सारे के सारे बेस रिप्रेजेंट हो। इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या कराएंगे एवरी टाइम, जैसे एरे एरे के केस में जस्ट यूज क्या करेंगे नंबर मॉड्यूलो वाई 2। अगर मैंने नंबर मॉड्यूलो वाई 2 यूज किया था, इस नंबर को आप 2 से जब भी डिवाइड करोगे तो इस केस में श्योर हो इस केस में पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, आइदर 0 और 1। अगर इस केस में रिमाइंडर 0 तो नहीं रिटर्न क्या करेगा 0 इंडेक्स का एलिमेंट, अगर रिमाइंडर 1 है तो नहीं रिटर्न क्या करेगा 1 इंडेक्स का एलिमेंट। इस केस में रिमाइंडर 0 और 1 के अलावा कोई अदर रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं इन केस ऑफ डिवाइडेड बाई 2। इस केस में रिजल्ट्स भी क्या है ओनली बिगिनिंग 2 डिजिट्स। क्लियर स्टार्ट से गिवन केसेस के थ्रू किसी भी नंबर को एनी डेसिमल नंबर इक्विवेलेंट एनी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। जस्ट इस केस को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं यूज क्या करूंगा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो इस केस में यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करने से पहले मैं रेफर क्या कर रहा हूं इस केस में मेन फंक्शन चेक करेंगे। मेन फंक्शन के अंदर टोटल रिक्वायर्ड डिक्लेरेशंस क्या होंगे वॉइड मेन। जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के अंदर टोटल आपको इनपुट्स कितने पास करना है 2 इनपुट्स। इनपुट्स क्या है नंबर एंड बेस। तो 2 डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं 2 वेरिएबल्स यूज करूंगा इंटीजर नंबर कॉमा बेस प्लस इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ एरे ऑफ कैरेक्टर के रिजल्ट किस फॉर्म में स्टोर कराएंगे एरे के फॉर्म में और कैरेक्टर एरे के फॉर्म और स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो स्ट्रिंग के एड्रेस को होल्ड कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ पॉइंटर वेरिएबल। इस पॉइंटर का मैं नेम यूज कराया जा रिजल्ट देन रीडिंग इनपुट्स। तो इनपुट्स में आपको रिक्वायर्ड क्या है स्कैन ऐप के थ्रू 2 इनपुट्स रीड कराना %d%d एड्रेस ऑफ नंबर एड्रेस ऑफ बेस। 2 इनपुट्स रीड कराने के जस्ट बाद देन आप कॉल क्या कर सकते हो फंक्शन नेम इज डेसिमल 2 एनी प्लस इससे रिटर्न क्या होगा पॉइंटर। पॉइंटर को स्टोर कराने के लिए यूज क्या करेंगे वेरिएबल रिजल्ट रिजल्ट इक्वल्स टू डेसिमल 2 एनी। फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या करेंगे नंबर जिस नंबर को आप कन्वर्ट करना चाहते हो। सेकंड आर्गुमेंट पास क्या करो बेस। लेकिन इस केस में याद रखना बेस क्या होना चाहिए बेस का रेंज क्या होना चाहिए शुड बी 2 to 16। इस बेस या तो 2 के बराबर होना चाहिए या 2 से बड़ा सेम है 16 से बराबर होना चाहिए 16 से छोटा यानी बेस। क्लियर इस केस को स्पेशली रखना क्यों इसके लिए मैं कोई इफ कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा अदरवाइज ऑपरेशन टेस्ट करने से पहले या फंक्शन कॉल कराने से पहले आप बेस का रन टाइम पर वैल्यू चेक कर सकते हो बेस शुड बी इन रेंज ऑफ 2 and 16। नेक्स्ट वन जस्ट डिस्प्ले क्या करें रिजल्ट किस फॉर्मेट में एरे ऑफ कैरेक्टर। तो एरे को डिस्प्ले कराने के लिए आप यूज क्या कर सकते हो पुट्स देन रिजल्ट फाइनली डिस्प्ले किया जाए रिक्वायर्ड आउटपुट। फाइनली जब इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करें डेसिमल टू एरे इसका रिटर्न टाइप यूज क्या करोगे आप कैर स्टार कैसे रिटर्न क्या होगा एरे का एड्रेस। फंक्शन नेम इज डेसिमल टू एनी व्हाट इज द आर्गुमेंट टाइप कितने आर्गुमेंट पास होना 2 नंबर और बेस। नंबर और बेस दोनों के टाइप क्या है इंटीजर इंट नंबर देन बेस को मैं इस प्लेस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी इंट इंट बी और वी कैन से रेड एक्स आर लाइक दैट। देन रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे के अंदर मैक्सिमम डिजिट्स कितने पास होंगे अगर आप नंबर को बाइनरी में भी कन्वर्ट करो तो बाइनरी के अंदर 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में रिजल्ट्स कितने बिट्स में 16 बिट्स। अगर आप कोई भी डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट करो तो मैक्सिमम डिजिट्स कितने पास होंगे 16 प्लस लास्ट डिजिट क्या स्टोर को नल। इसलिए रिजल्ट को होल्ड करने के लिए मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ एज अ रिजल्ट और जस्ट स्मॉलेस्ट नेम यूज कर रहा हूँ एज अ ए। इसे एरे में स्टोर क्या कराएंगे रिजल्ट्स। इस एरे का साइज क्या यूज करेंगे एज अ 17। देन इसके अलावा आपको रिक्वायर्ड क्या हुआ लूप को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ इटरेटिव वेरिएबल आई एंड नथिंग एल्स। क्लियर देन जैसे ही एरे क्रिएट हुआ इसके अलावा आप एक और एरे क्रिएट कर सकते हो कैरेक्टर एरे। इसे कैरेक्टर एरे के थ्रू रिप्रेजेंट कराएंगे ऑल हेक्सा डेसिमल डिजिट्स। क्लियर इसे एरे को मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूँ एज अ डी डी इज रिप्रेजेंटिंग हेक्सा डेसिमल डिजिट्स। असाइनमेंट क्या हुआ हेक्सा डेसिमल डिजिट्स के इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस अदर पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकते हैं एग्जैक्ट इसमें केस में ए बी सी डी ई एफ। फाइनली इस केस में आपको कॉन्सल्टेट क्या करना है लॉजिक्स ऑफ डेसिमल टू एनी नॉट अ मेन फंक्शन। क्लियर मेन जस्ट सिंपल फंक्शन है कॉन्सल्टेट क्या करना है लॉजिक्स ऑफ डेसिमल टू इन दैट फंक्शन। जब ये फंक्शन क्रिएट हुआ तो इस फंक्शन के अंदर 2 एरे क्रिएट होना है ए
और डी, क्लियर। दूसरा केस, आपको ये एरे सेपरेटली क्रिएट करने की जरूरत नहीं, आप इस प्लेस पर जस्ट एनोनियम से एरे भी यूज कर सकते हो, क्लियर। या तो आप सेपरेट एरे क्रिएट करोगे, अगर इसे एरे को यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, मीन सपोज दैट मैंने इसको कमेंट्स में प्रोवाइड किया, देन इसका अल्टरनेटिव भी यूज कर सकते हैं। फाइनली परफॉर्म क्या कराओगे, कन्वर्जन। कन्वर्जन परफॉर्म कराने के लिए रिजल्ट एवरी टाइम स्टोर किस में कराएंगे, एरे के अंदर। तो एरे के केस में, एरे मीन्स ए, ए के केस में स्टोर कराएंगे। ए के केस में इनिशियलाइज ने किसको फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स किया हुआ जीरो, प्लस ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराओ, जब तक नंबर का वैल्यू जीरो से बड़ा है, मीन्स व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। आई के रिस्पेक्ट में आई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा, इसलिए यूज क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। देन इस प्लेस पर, देन नंबर के केस में नंबर मीन्स रिमाइंडर रिट्रीव करने के बाद डिवीजन अगेन किस में असाइन कराओगे, नंबर में। तो डिवीजन स्टोर कराने के लिए यूज क्या कर सकते हैं, नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। ये स्टेटमेंट आप लूप के एंड में भी स्टोर राइट डाउन कर सकते थे और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में राइट डाउन करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, जस्ट इसे एरे में एवरी टाइम आसान क्या कराएंगे, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई इक्वल्स टू, जस्ट मैंने अभी यूज किया था, आपके पास टू चॉइस हैं इस केस में। या तो आप यूज क्या कर सकते हो, इस केस में एरे का नेम क्या था, डी, डी ऑफ नंबर मॉड्यूलो बाई बेस बी। तो जो भी बेस आएगा, बेस क्या वर्क करेगा, एज अ इंडेक्स। सपोज दैट इस केस में बेस क्या आया, वन, तो डी के अंदर इंडेक्स क्या पास हो रहा है, वन, और वन इंडेक्स में क्या, वन, तो इससे रिटर्न क्या हुआ, कैरेक्टर वन। इंडेक्स वन किस फॉर्म में था, इंटीजर्स के फॉर्म में, लेकिन जो आप कैरेक्टर बनाए, कैरेक्टर्स किस फॉर्म में, कैरेक्टर एरे के अंदर सारे सारे एलिमेंट किस फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में। तो इसलिए आपको डिजिट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है, अदरवाइज आपको रिक्वायर्ड क्या होता, प्लस आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, लाइक दैट, क्लियर। दूसरा केस, डी के प्लेस पर एरे डी का नेम यूज ना करेंगे। सपोज दैट मैंने इस टाइप का कोई एरे क्रिएट नहीं किया, तो इसे एरे में जो भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट डी के प्लेस पर राइट डाउन करना पॉसिबल है, क्योंकि एरे इंटरनली प्रोसेस किस फॉर्म में होते हैं, फॉर्म ऑफ पॉइंटर्स। अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है ए ऑफ आई, इसका कन्वर्जन क्या होता है, स्टार ए प्लस आई। जस्ट इस प्रोग्राम को मैं इस लेवल से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, कई सारे बुक्स में आपको इस टाइप से प्रोग्राम मिलता है लाइक दैट। इस केस में आपको सिंटेक्स को देखकर ही कन्फ्यूज होता है, सिंटेक्स ही समझ में नहीं आता इस केस में, इस फाइनली एग्जैक्टली इससे परफॉर्म कर रहा था। जस्ट इसका मैं डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, इसे इस लाइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ। अगर आपने एरे डिफाइन किया है, देन इस प्लेस पर डबल कोट्स के प्लेस पर क्या यूज कर सकते हो, एरे नेम। अदरवाइज मीन्स बुक्स में आपको, अगर आपने पढ़ा हो टेस्ट और सी स्किल, उस बुक में भी मीन सेम एग्जाम इस फॉर्म में मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरा यहाँ इंटेंशन क्या है, फाइनली इस प्रोग्राम को मेमोरी लेवल पर एक्सप्लेन करना, मीन इंटरनली प्रोसेस किस टाइप से हो रहा है, डी ई एफ, क्लियर। देन इस केस में एवरी टाइम इसे एरे के एलिमेंट का इंडेक्स अप्लाई करेंगे, इंडेक्स किससे आएगा, जस्ट नंबर मॉड्यूलो वाई डिवाइड किससे कराएंगे, एवरी टाइम बी से, क्योंकि यहाँ बेस फिक्स नहीं है। बेस टू पास किया तो एवरी टाइम डिवीजन किससे होगा, टू से, इसलिए कन्वर्जन भी किसमें होगा, बाइनरी में। 10 पास किया देन बेस 10 में, 16 पास किया देन बेस 16, 4 पास किया बी का वैल्यू देन बेस 4। फाइनली आप रिटर्न क्या कराओ, इसके इसमें एरे के एंड में स्टोर क्या कराएंगे, फाइनली नल, इसलिए यूज क्या करो, ए ऑफ आई इक्वल्स टू नल। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट किस प्लेस पर, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, प्लस इस प्लेस रिटर्न क्या कराएंगे, रिटर्न एरे ए। ए के प्लेस पर रिप्लेस किया बेस एड्रेस, इसलिए रिटर्न टाइप यूज किया कैरेक्टर। फंक्शन को पहले कॉल किया देन डिफाइन किया, इसलिए इसका फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना कंपलसरी बिफोर यूजिंग कैर स्टार। फंक्शन नेम है डेसिमल टू इंट, आर्गुमेंट टाइप टू आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है, इंट कॉमा इंट, क्लियर। अब फाइनली मैं इसका आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज दैट फर्स्ट टाइम नंबर आपको एंटर क्या करना, नंबर एंड बेस। फर्स्ट केस मैंने स्मॉल नंबर यूज किया, जस्ट नंबर एंटर किया मैंने 7 एंड बेस यूज किया 2, जस्ट स्मॉल नंबर यूज किया, जिससे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल हो। मिस आपको टोटल केस में 2 केस एक्सप्लेन करूंगा, 1 केस रिगार्डिंग बाइनरी, 1 केस रिगार्डिंग बेस 16, एंड केस रिगार्डिंग मिस टोटल 3 इनपुट्स के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1। फर्स्ट केस में इनपुट एंटर करूँ सपोज दैट 7 एंड 2, तो इस केस में कन्वर्जन किस में होगा, बेस 2 में। नेक्स्ट टाइम मुझे नंबर कन्वर्ट किस में कराना है, जस्ट बेस 4, बेस 4 के रिस्पेक्ट में नंबर एंटर किया लाइक 50, नंबर क्या एंटर किया 50 और बेस क्या एंटर किया 4। नेक्स्ट टाइम नंबर एंटर किया ने समथिंग 92 और बेस क्या 16। टोटल देर 3 केस में डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देना आपके लिए, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इजीली समझना पॉसिबल। मीन्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या, गिवन एक्सप्रेशन। फर्स्ट वन, अगर इस कॉलिंग प्लेस से नंबर के प्लेस पर क्या पास हुआ, 7 और बेस के प्लेस पर 2। तो फाइनली जब यह फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के अंदर 4 लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, नंबर बी
ए एंड आई प्लस, जब एरे प्रोसेस होगा तो एक एनोनिमस एरे भी क्रिएट कराएंगे, क्लियर। तो फाइनली मैं डेसिमल टू एनी के लिए डायरेक्टली मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस फंक्शंस के अंदर वेरिएबल्स क्या क्रिएट होंगे, नंबर। नंबर के केस में नंबर का वैल्यू के पास हो जस्ट 7, देन बेस का नेम क्या इस केस में बी, बी के लिए पास कर रहा हूँ, मीन्स बेस का वैल्यू के पास क्या 2, आसानी किस में हो जाएगा 7, नंबर में आसानी होगा 2, बी में कॉपी होगा, तो बी का वैल्यू क्या जस्ट 2। एरे क्रिएट हुआ ए, एरे ए के केस में इनिशियली कोई एलिमेंट आसान नहीं हुआ, इसका साइज क्या है 17, एरे ए एंड सो ऑन, इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू लास्ट प्लेस पर इंडेक्स क्या रहेगा जस्ट 16 वट एवर। देन टोटल 3 वैल्यूज के डू है, नंबर बी एंड एक और वेरिएबल क्या रिक्वायर्ड है इसके, इसमें आई, वन मोर वेरिएबल इज देयर आई, लेकिन इसके अलावा जस्ट बाद जैसे जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चलेगा लूप का, तो लूप के रिस्पेक्ट में एक और एरे क्रिएट हुआ 0 to f, लेकिन इस एरे का कोई नेम नहीं, लेकिन इसको नेम क्या तो एज अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में जब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन परफॉर्म कराऊँ तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 16, तो 16 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन वन मोर कैरेक्टर एरे क्रिएट करेंगे, कैपेसिटी क्या है इसका 16, लास्ट एलिमेंट क्या होगा इसके इसमें नल, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट केस। चेक कर सकते हो, अगर 2 पास करोगे देन कन्वर्जन किस फॉर्म होगा बेस 2 में, अगर 4 पास करोगे देन कन्वर्जन किस फॉर्म होगा बेस 4 में, 16 पास करें देन कन्वर्जन किस फॉर्म में होगा बेस 16 में। सेम लॉजिक्स के थ्रू किसी भी डेसिमल नंबर को एनी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट प्रोग्राम। इंडेक्सिंग इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। एड्रेसिंग सपोज दैट 100, 101, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्टार ऑपरेटर ऑलवेज अप्लाई किसके लिए होता है, एड्रेस के लिए, और जैसे एड्रेस के साथ अप्लाई करोगे रिटर्न क्या करेगा उस एड्रेस का वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूज किया स्टार 100, इस केस में रिटर्न क्या करेगा उस लोकेशन का वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका एड्रेस 100 है, इस केस में 100 लोकेशन में सन क्या हो जाएगा फर्स्ट कैरेक्टर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नेक्स्ट वन हेक्साडेसिमल डिजिट्स स्पेशली ए बी सी डी ई एंड एफ, क्लियर। इस डायग्राम को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके लिए इजी वे में समझना पॉसिबल होगा। फर्स्ट वन, जैसे इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ तो लूप के अकॉर्डिंग आई में कैसा हो जाएगा जस्ट वैल्यू है 0, नंबर का वैल्यू क्या पास हुआ है 7, तो नंबर क्या है करेंटली 7 ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू है। देन बॉडी पार्ट एग्री हो तो बॉडी के अंदर जहाँ मैंने एरे यूज किया है एरे के प्लेस पर रिप्लेस किया है वो एरे का बेस एड्रेस, एड्रेस क्या है 100, क्लियर। रिमेनिंग प्लेसेस के भी एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक्स्ट वन, इसे एरे के प्लेस पर क्या रिप्लेस हुआ 100, देन इसका मीनिंग क्या हुआ 100 ऑफ नंबर मॉड्यूलो बाई बी, नंबर मॉड्यूलो बाई बी, चेक इट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर, नंबर का वैल्यू क्या करेंटली 7 एंड बी मीन्स बेस, बेस कितना पास हुआ 2, इसके साथ श्योर है एवरी टाइम 2 से डिवीजन होता है तो 2 के साथ रिमाइंडर क्या आएगा आइदर 0 और 1, मीन्स या तो इस प्लेस पर क्या पास होगा 0 या फिर 1, करंट केस में देखें तो 7 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा 100 ऑफ 1, मीन्स इसको नेम देंगे जा ए ऑफ आई, और पॉइंटर्स के केस में ए ऑफ आई का कन्वर्जन क्या होता है स्टार ए प्लस आई, स्टार ए प्लस आई, तो इस केस में ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस करा हुए बेस एड्रेस 100 स्टार, जस्ट ए के प्लेस पर क्या जाएगा बेस एड्रेस है 100 और आई के प्लेस पर क्या पास हो रहा है रिमाइंडर एज 1, इस 1 100 प्लस 1 इज स्टार 101, क्या 100 कैरेक्टर टाइप का एड्रेस है और स्टार से कैरेक्टर हुआ जस्ट मैंने अभी मेंशन किया था स्टार ऑलवेज एड्रेस के साथ अप्लाई करो रिटर्न क्या करें वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, तो उसे स्टार से रिटर्न क्या वैल्यू ऑफ लोकेशन 101, चेक इट 101 में क्या स्टोर कैरेक्टर 1, तो फाइनली इसे एक्सप्रेशन के प्लेस पर कंप्लीटली रिप्लेस क्या हुआ
कैरेक्टर वन, मीन्स आपको एक्सप्रेशन काफी लेंदी दिख रहा है लेकिन उसका मीनिंग सिंपल है। जस्ट इसको प्रोसेस करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन मैनर। पहले एरोनिमस एरे के लिए डायग्राम मेंशन करोगे, डायग्राम्स के लिए आप कोई भी एड्रेस खुद से एज्यूम कर सकते हो इन कंटिन्यूअस फॉर्म। देन जहाँ भी आपको फिजिकली स्ट्रिंग्स हो रहा है स्ट्रिंग के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, बेस एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस प्लस इस प्लेस पर क्या आएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के केस में करेंटली रिमाइंडर क्या है वन, रिमाइंडर के वर्क करेगा एज अ इंडेक्स टू गिवन एरे। इस केस में रिटर्न क्या हुआ वन के प्लेस पर, इंडेक्स वन का एलिमेंट हो, इंडेक्स वन में क्या स्टोर है कैरेक्टर वन, तो फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ वन। देन ये वन आप असाइन किस में कर रहे हैं, वन किस में असाइन हो रहा है ए ऑफ आई में, तो उसका मीनिंग क्या हुआ ए ऑफ आई इक्वल्स टू कैरेक्टर वन। और ए ऑफ आई में आई का करंट वैल्यू क्या है जीरो, फाइनली असाइनमेंट किस इंडेक्स में हुआ एरे के अंदर जीरो इंडेक्स में, तो जीरो इंडेक्स में क्या समझ जाएगा वन। प्लस चेक करो ये वन डिजिट्स के फॉर्म में कैरेक्टर्स के फॉर्म में, इस एरे के अंदर कंटेंट से एरे के स्टार्ट का कैरेक्टर एरे, तो वन भी किस फॉर्म में हुआ कैरेक्टर्स के फॉर्म, इसलिए आपको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी ये कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसलिए डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन असाइनमेंट होने के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, क्योंकि इस लूप के बॉडी में ओनली सिंगल स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू इंक्रीज होगा वन से आई प्लस प्लस। देन स्पेस पर क्या है नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और नंबर का करेंटली वैल्यू क्या है हट द वैल्यू ऑफ नंबर 7, 7 को 2 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा जस्ट 3, तो 3 किस में आसान हो जाएगा नंबर में। नाउ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ नंबर इज 3। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन 3 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू फिर से सेम एरे, एरे के लिए कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं, एरे के प्लेस पर एवरी टाइम क्या रिप्लेस करना आपको फिक्स्ड है 100, आपको कन्फ्यूजन ना हो मैं डायरेक्टली स्पेस पर क्या रिप्लेस कर देता हूँ 100। देन नंबर मॉड्यूलो बाय बी, नंबर का वैल्यू क्या है 3 मॉड्यूलो बाय 2, 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा अगेन 1, अगेन 1। देन और 100 एड्रेस से अगर स्टार्ट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ ए स्टार ए प्लस आई, ए के प्लेस पर क्या जाएगा 100, आई के प्लेस पर क्या रहा 1, मीनिंग इज 10 स्टार 101, स्टार से क्या रिटर्न होगा वैल्यू ऑफ 101, 101 में अगेन क्या है 1। आपको ऑलरेडी पता है 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर ऑफ 7 इज 3 टाइम 1, तो इस केस में अगेन क्या रिटर्न हो रहा है कैरेक्टर 1। नेक्स्ट टाइम 1 किस इंडेक्स में साइन होगा ए ऑफ आई, आई का वैल्यू 1 है 1 इंडेक्स में अगेन क्या साइन हो जाएगा कैरेक्टर इज 1, नेक्स्ट टाइम अगेन कैरेक्टर इज 1। क्लियर। फाइनली स्टार से ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे। देन इस केस में फाइनली नंबर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 के बाद क्या रहा होगा 1 और नेक्स्ट टाइम 0 लाइक दैट। लेकिन इस केस में एक मिस्टेक किया, मिस्टेक क्या है जस्ट अभी तो आपको रिजल्ट सही से प्रॉपरली शो हो रहा है लेकिन रियल केस में ये रिमाइंडर्स अभी रिवर्स ऑर्डर में स्टोर है, तो उनको रिमाइंडर्स को रिवर्स कराना होगा। सपोज दैट अगर आप इस केस में नंबर यूज करते जाएगा 6 इन प्लेस ऑफ 5, तो 6 के केस में फर्स्ट टाइम 6 को डिवाइड करो तो फर्स्ट टाइम 6 के केस में, अगर मैं सेम केस शो कर रहा हूँ डिवाइड कैसे करोगे 2 से, 2 से डिवाइड करने में फर्स्ट टाइम डिवीजन क्या आया 3 लेकिन रिमाइंडर क्या आया 0, तो रिमाइंडर 0 इसके अंदर पास क्या हुआ एज ए इंडेक्स इन केस ऑफ 6, तो 0 इंडेक्स में क्या स्टोर कैरेक्टर 0, तो इसलिए इसमें आसान क्या हुआ 0। क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवीजन क्या आएगा 1 लेकिन रिमाइंडर भी क्या आएगा 1, तो 1 के केस में स्पेस पर रिप्लेस क्या हुआ 1, तो इस केस में रिटर्न क्या हुआ वैल्यू ऑफ इंडेक्स 1, और 100 के 1 इंडेक्स में क्या स्टोर है अगेन कैरेक्टर 1, तो आसानी किस में जाएगा नेक्स्ट प्लेस पर। नेक्स्ट टाइम अगेन क्या आसान होगा मीन्स 2 को 1 से डिवाइड कर अगेन 1 आएगा, तो फाइनली फिर से क्या स्टोर होगा 1, मीन्स नंबर क्या था 6, और 6 के केस में इसका बाइनरी क्या है 011 और 110 110, जबकि स्टोर क्या है 011, तो इसका मतलब क्या कंटेंट्स को रिवर्स करने की नीड है। उस केस में रिटर्न स्टेटमेंट से जस्ट पहले यूज क्या कर लेंगे स्ट्रिंग के कंटेंट्स को रिवर्स कराने के लिए आपके पास ऑलरेडी रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल है strevi रिवर्स कंटेंट्स ऑफ ए, देन फाइनली रिटर्न ए। इस केस में ए के प्लेस पर एरे का बेस एड्रेस रिप्लेस हो पहले से पहले परफॉर्म क्या हो रहा है असाइन क्या हो जाएगा इस केस में नल, नेक्स्ट प्लेस पर क्या असाइन हो जाएगा नल, क्योंकि आई का वैल्यू क्या होगा इस केस में 3। देन रिटर्न क्या हुआ ए, ए मीन्स एरे का बेस एड्रेस समथिंग 200, 200 कॉलिंग प्लेस पर सेंड हुआ तो स्पेस पर रिप्लेस किया 200, रिजल्ट में साइन हुआ, देन रिजल्ट के प्लेस पर 200 पास हुआ। देन ये पुट्स फंक्शन 200 लोकेशन से डिजिट्स को प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, और strevi फंक्शन के थ्रू ऑलरेडी इसके कंटेंट्स रिवर्स हो चुके हैं इसलिए कंटेंट्स क्या है 110। सेम है चेक करते हैं इन केस ऑफ बेस 16, सेम प्रोग्राम किसके लिए वर्क करेगा ऑलरेडी बेस 16, जो कि मैं इसके जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में भी और प्रीवियस प्रोग्राम में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम अगर बेस 50 यूज करोगे
चेक इट डायरेक्टली शो करना। सपोज दैट आपने बेस के लिए वैल्यू क्या पास किया, चेक कर सकते हैं। जब मैंने बेस टू पास किया तो बेस टू के केस में एरे के अंदर 16 डिजिट्स हैं, क्योंकि इस केस में कोई श्योरिटी तो थी नहीं कि फ्यूचर में आप बेस एवरी टाइम टू पास करोगे या 16 पास करोगे। इस केस में बेस टू था तो बेस टू के केस में रिमाइंडर क्या होंगे, इस केस में आइदर जीरो और वन। तो इस केस में मीन्स जीरो और वन एक्स केस करें एक्स लाइक इंडेक्स, तो इस केस में इंडेक्स ऑलवेज क्या पास होगा बेस टू के रिस्पेक्ट में, आइदर जीरो और वन। और जीरो में क्या स्टोर है कैरेक्टर जीरो, वन में क्या स्टोर है कैरेक्टर वन। तो बेस टू के केस में ओनली बिगिनिंग ऑलवेज इस एरे से रिटर्न क्या बिगिनिंग टू डिजिट्स आइदर जीरो और वन। अगर मैंने बेस फोर पास किया तो बेस फोर के केस में अगर आप फोर से डिवाइड करोगे तो फोर के केस में पॉसिबल डिवीजन क्या होंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे जीरो वन टू थ्री। क्लियर, फोर से डिवाइड करने पर इसके अलावा कोई अदर रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में अगर रिमाइंडर जीरो आया देन जीरो क्या होगा इंडेक्स जीरो, जीरो इंडेक्स में क्या जीरो, वन पास हुआ देन वन इंडेक्स में क्या कैरेक्टर वन, टू पास हो रहा है टू इंडेक्स में क्या कैरेक्टर टू। मीन्स करेस्पॉन्डिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग रिटर्न क्या हो, इंडेक्स क्या इंटीजर, लेकिन रिटर्न क्या हो रहा है इंटीजर और करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू, करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर वैल्यू बेस्ड ऑन दिस स्ट्रिंग ऑपरेशन। सेम है अगर आप बेस 16 यूज कर दो, सपोज दैट नंबर क्या पास किया है 15, नंबर का वैल्यू क्या 15, बेस क्या 16, तो 15 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा ऑल्सो 15। तो इसके इसमें इंडेक्स पास क्या हो रहा है 15, इसका मीनिंग क्या हुआ 100 ऑफ 15, चेक इट, इसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 100 प्लस 15, स्टार 100 प्लस 15 का रिजल्ट क्या आएगा स्टार 115। स्टार से कैटन होगा वैल्यू ऑफ स्टार 115, चेक इट, 115 में वैल्यू क्या है f, और 15 के अकॉर्डिंग अगर रिमाइंडर 15 है 15 के अकॉर्डिंग इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या था ऑल्सो f, और स्पेस पर रिटर्न क्या हुआ ऑल्सो f, और ये f आसानी के समझा एरे ऑफ i। क्लियर, इस टाइप से इसे गिवन लॉजिक्स के बेसिस पर और गिवन एग्जांपल्स को फॉलो करके किसी भी डेसिमल नंबर को किसी भी रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल है इन बिटवीन 0 टू एफ, और जीरो सॉरी इस केस में रिक्वायर्ड बेस मीन्स पॉसिबल बेस क्या पास करो बिटवीन 2 to 16। आप चाहो तो इससे पहले इफ कंडीशन फॉलो कर सकते हो, इफ वैल्यू ऑफ बी इज लेस देन 1 एंड वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर देन 16, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आप यूज क्या कर सकते हो इस केस में रिटर्न नथिंग। इससे कंट्रोल कंसेंट हुआ रिटर्न बैक टू कॉलिंग प्लेस प्लस इससे मैंने रिटर्न क्या कराया सम एम्प्टी स्ट्रिंग, इससे स्ट्रिंग के अंदर कोई रिजल्ट नहीं हुआ। क्लियर, इस टाइप से इस गिवन लॉजिक्स के थ्रू किसी भी डेसिमल इंटीजर को एनी रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल बेस्ड ऑन गिवन इनपुट्स।